पूरा सीन ख़त्म कर दिया अब तो यहाँ पे रिकूम का। बट ये देखो, ये बहुत अजीब पोज है जिसमें भी ये खड़ा है, काफ़ी ज़्यादा अजीब है। कह रहा है कि कोई बात नहीं, अच्छा वार्म अप था ये, अब चलो देखते हैं कि तुम असलियत में कर क्या सकते हो। न जाने अब वेजिटा का क्या हाल हो रहा होगा। अब यहाँ पर हम फ्रीजा वाली जगह पर आ गए, ये सातों ड्रैगन बॉल इसका कैप्टन गिन्यू लेकर आ गया। फ्रीजा कह रहा है कि शानदार कैप्टन गिन्यू, मेरे को मानना पड़ेगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमने सातों ड्रैगन बॉल इतनी जल्दी अरेंज कर दी मेरे सामने। कैप्टन गिन्यू कहता है कि आपकी इस तारीफ से बड़ा कोई और सम्मान नहीं है लॉर्ड फ्रीजा। फ्रीजा हंसते हुए कहता है कि अब समय आ गया है कि मैं अपने सपने को सच में बदल सकता हूँ, अब ये समय है मैं इमॉर्टल हो सकता हूँ। चलो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल्स, मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि मेरे को हमेशा के लिए अमर और हमेशा के लिए जवान बना दो। सबके सब शांत हो गए। फिरजा कहता है, कैप्टन गिन्यू कहता है, सर क्या अब आप इमॉर्टल हो गए हो, अमर हो गए हो क्या सर आप? फिरजा कहता है, नहीं मुझे शक नहीं है। ओह हाँ, इनको ना एक्टिवेट करने के लिए शायद कोई मंत्र होगा, शायद कोई सीक्रेट लाइन होगी जो सिर्फ नेमेकियंस को पता है। ऐसा लगता है मेरे को अब और ज्यादा कीड़े मारने पड़ेंगे। तो स्काउटर पे देख के बोलता, ओ देखो मेरे को तीन नेमेकियन लोगों के पावर के साइंस दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है उनमें से कुछ लोग बच गए हैं। कैप्टन गिन्यू कहता है कि लॉर्ड फ्रीजा, अगर आप चाहें तो मैं जबरदस्ती उनके मुंह से वो मंत्र को निकलवा सकता हूं। फ्रीजा कहता है कि नहीं, मैं खुद उनसे पूछ लूंगा। तुम्हें ये चीज याद रखने की जरूरत है कि मेरे पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं उन लोगों से ढंग से उगलवा लूंगा। कैप्टन गिन्यू तुम यहीं पर ही रहना और ड्रैगन बॉल पे अच्छी नजर बनाए रखना। कैप्टन गिन्यू कहता है, समझ गया लॉर्ड फ्रीजा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अब ये सीन तो शायद वेजिटा वाला और ये रिकूम, हाँ यही वाला सीन है। अच्छा मैंने अंदाजा लगाया। जब तक तो रिकूम ने सबको धोके रख डाला। रिकूम कहता है, तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो। पता नहीं यार अब ये कैसे बच पाएंगे, अब तो इनके हाथ से बिल्कुल सब कुछ निकल गया, अब कुछ नहीं रहा। ओ भाई कुछ गिरा है ऊपर से। रिकूम कह रहा है कि ये क्या था, ये स्पेसशिप कहाँ से आई? क्रिलिन कहता है, ये गोकू है, आखिरकार वो आ ही गया। अब यहाँ पर हमारे रिजल्ट्स जो होंगे अब गोहान वर्सेस गुल्डो हो गया, वेजिटा वर्सेस रिकूम हो गया, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। चलो ड्रैगन भाई चलो जाओ, आपको तो जब भी बुलाएंगे। और ये रहा गोकू का सीन। कैप्सूल कॉर्प, कंप्यूटर बोल रहा है अटेंशन, हम नेमेक प्लैनेट पर पहुंच चुके हैं। गोकू भी निकला है। गोकू कह रहा है कि मेरे को उन तीनों को पहले जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। प्लीज तुम सब जिंदा रहना गाइस, प्लीज सेफ रहना तुम सभी लोग। गोकूज हीरोइक अराइवल, ये सच्ची में एक हीरोइक अराइवल ही था। गोकू को महसूस हो गया, हाँ गोहान क्रिलिन ये अभी मुसीबत के अंदर है, वो अभी बिल्कुल आखिरी सांस पर लटक रहे हैं, वो बहुत ही पास में है, बिल्कुल वहां पर है जहां पर तीन बड़ी पावर है। तो गाइस लेवल अप और हो गया हमारा साथ में, ये लेवल अब शायद स्पेसशिप के अंदर जो हमने ट्रेनिंग करी थी उसकी वजह से है। तो वो कह रहा है कि अब ऐसा लगता है कि मेरे को दिखाना पड़ेगा, जो मैंने 100 गुना ग्रेविटी की ट्रेनिंग करी है स्पेसशिप के अंदर, उसका दिखाने का टाइम अब आ ही गया है, तो जल्दी से मैं पहुँच गया। तो क्या स्पीड में चल रहे हैं भाई यहाँ पर, क्या स्पीड में उड़ के और गया है भाई, इतना बड़ा धमाका वेजिटा को तो फेंक डाला भाई। अच्छा और टाइम पर आ गया है गोकू, अब बचा पाएगा। अरे पागल है क्या तू, अबे तू बिल्कुल जान से मारने की बोल रहा है यार। कितनी भी बड़ी पावर हो गोकू उसे रोक लेता है, एक हाथ से पकड़ा और फेंक डाला इतने आराम से। खतरनाक गोकू यार, बड़ा खतरनाक पावर है तेरे पास। तो रिकूम देखने के बाद कहता है, क्या तुम कौन हो? बेटा कह रहा है, क्या करो आखिरकार तुमने अपना चेहरा दिखाई दिया। रिकूम कहता है गोहान से, गोहान ये रही ये सेंजू बीन्स हैं, थोड़ी सी तुम और लोगों को भी दे देना, अब मैं इन लोगों से खुद लड़ूंगा। रिकूम कहता है, तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो, तुम जैसा छोटा बंदा आखिर कर क्या लेगा? गोकू कहता है कि कोई भी चांस नहीं है जो तुम मेरे को हरा के दिखा दो।